एवरीवन, ज्योति होम गार्डन एंड ब्यूटी किचन टिप्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की शुरुआत, मेरे घर में आज छोटी सी किट्टी पार्टी है। किट्टी पार्टी मतलब भिशी है आज हमारी, वैसे ही रहती है किट्टी पार्टी जैसी। और यहाँ पर मेरे सब फ्रेंड्स इकट्ठे हुए हैं, जो जो भिशी में है, और भी मेरे फ्रेंड्स है, पर ये भिशी की पार्टी है इसलिए भिशी के ही फ्रेंड्स है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम हर महीने में 2000 रुपये जमा करते हैं एक एक औरत, और जिसका नंबर आया वो सब पैसे उनको देने पड़ते हैं। तो ऐसे इसमें 15 फ्रेंड्स है मेरे, 15 लेडीज़ है। तो ऐसे एक एक करके हम एक महीने में 15 महीने की भिशी एक ही महीने में निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको समय नहीं रहता हर महीने में इकट्ठे हो। और सब दूर दूर घर है इनके, सिटी में ही है पर दूर दूर है, तो सबको बुलाओ और हर महीने में ऐसी पार्टी करके भिशी निकालो, उतना हमारे पास वक्त नहीं रहता। तो इसीलिए ये मेरी भिशी की पार्टी है। और यहाँ डिब्बे में ऐसे चिट्ठियाँ हर एक के नाम की लिखी हुई है, और जिसका नाम आया उसका नंबर लग जाता है। ये सभी 15 लोग यहाँ पर आए हैं, 15 लेडीज, और सभी की चिट्ठी हम देख रहे हैं हर महीने में किसकी किसकी आई है। तो आज मैंने आपको खाना बनाने का वीडियो नहीं दिखाया है, इनके लिए थोड़ा नाश्ता ही मंगवाया है, ज़्यादा कुछ नहीं। और मुझे इनके ही, इनमें से ही एक फ्रेंड है, उनके लड़की की हेयर कटिंग कर देनी है ये भिशी की चिट्ठियाँ निकलने के बाद। सबकी एक एक करके चिट्ठी निकल रही है और सबका एक एक करके नंबर लग रहा है। ये 15 महीने में हम एक ही बार निकालते हैं, और इससे क्या होता है फ्रेंड्स, हम सब लोग एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं, हमारी फ्रेंडशिप टिकी रहती है, और तो और सबके पैसे के काम ही भी हो जाते हैं, क्योंकि इस पैसे पे कोई ब्याज नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, सब लोग एक दूसरे को हेल्प ही करते हैं इस तरह से। तो ये भिशी के नंबर निकलने के बाद मैं आई हूँ अभी पार्लर में, और इस बच्ची की मैं अभी यू कट बना रही हूँ। इसका मैं चेहरा दिखा रही थी आपको, पर इनको भी चेहरा दिखाना पसंद नहीं, पता नहीं क्यों फ्रेंड्स। बड़े बड़े जो कस्टमर रहते हैं वो दिखाते हैं चेहरा, पर बच्चे तो दिखाते ही नहीं। तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको इनके बालों पर इजी तरीके से यू कट करते कैसे हैं वो दिखा रही हूँ। यू कट के लिए ऐसे बीच में से बाल काट लेना पहले से, और ये दोनों तरफ से बाल बीच में करके यहाँ से कैंची लगाना। ऐसा करने से क्या होता है, जब भी हम यू शेप देंगे तो वो अच्छे से यू शेप आ जाता है कॉर्नर से कटिंग करके, क्योंकि इसका एक मेजरमेंट निकल जाता है, माप निकल जाता है कि किस तरह कैसे कटिंग करनी है। आप भी नए नए सीख जाते हो, कटिंग कर रहे हो, कोर्स कर रहे हो नया नया, तो इसी ही तरह करें, क्योंकि कटिंग बिल्कुल ही ख़राब नहीं होगी, अच्छे से आएगी यू कटिंग, डीप यू हेयर कटिंग। फ्रेंड्स, मैं आपको हमेशा वही कटिंग दिखाती हूँ जो पार्लर में आते हैं, क्योंकि मेरा डेली का ब्लॉग है, और डेली के ब्लॉग ऐसे ही होते हैं, जो डेली में हम करते हैं वही दिखाते हैं, घर के काम हो या हमारे घर में कुछ प्रोग्राम हो या कुछ हो। तो इसी तरह हम आपको हमारी कटिंग भी दिखाते हैं, जो जो कस्टमर आते हैं हमारे पास वैसी वैसी। वैसे तो थ्रेडिंग भी दिखा सकते हैं, फेशियल भी दिखा सकते हैं, पर कोई कोई फेशियल में चेहरा नहीं दिखाने देते, तो इसीलिए मुझे कटिंग दिखाती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। और आगे मेकअप वगैरह भी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे अभी मेकअप के ऑर्डर आ रहे हैं दुल्हन की,
तो मैं वो भी शेयर करूँगी आपके साथ। अभी तो कटिंग के ही ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि दीदी जो जो आपके पार्लर में कस्टमर आए तो वो कटिंग आप हर एक कटिंग शेयर करो हमारे साथ। तो मैं हो सके उतना शेयर करती हूँ क्योंकि मैं भी बहुत बिजी रहती हूँ, कभी कभी समय नहीं रहता कि कैमरा ऑन करो, तो इसीलिए। तो इस तरह आप यू कट करेंगे और यू कट करते समय या कौनसी भी कट करते समय बाल अच्छे से कंघी करनी पड़ती ही है दोबारा दोबारा से, नहीं तो ये बाद में आड़े टेढ़े दिखते हैं। तो ऐसे निकालते निकालते जाओ और यू कट का शेप देते जाओ, जो हमने गाइडलाइन काट ली है उसमें मिलाना है ऐसे शेप देके। ऐसे करेंगे तो एकदम यू कट आपकी बराबर आ जाएगी। ऐसे करके हाथ रखना इस पर ऐसा, ऐसे ही कटिंग करना। और इधर के थोड़े रह गए हैं ये भी ऐसे धीरे धीरे काट रही हूँ, क्योंकि कटिंग कोई भी धीरे धीरे करेंगे तो ही अच्छी आ जाएगी। और देख रही हूँ कुछ रह गए क्या बाल, आप भी इस तरह कटिंग देखिए और प्लीज़ प्लीज़ आप ध्यान से हमारी कटिंग देख लीजिए कैसी रहती है, तो आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से। और आप हमारे चैनल पे हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे तो आप हेयर कटिंग और पूरा ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीख ही जाएंगे, क्योंकि मैं आगे आपको सब वैक्सिंग फेशियल ब्लीचिंग वैक्सिंग फेशियल कटिंग और मेकअप सब आपके साथ शेयर करूँगी जैसे कस्टमर आए, हेयर स्टाइल नए नए। अभी तो शादियों का सीज़न है तो थोड़े थोड़े तो कस्टमर आ ही जाएंगे, तो वैसे वैसे आपके साथ। तो इनकी कटिंग अभी हो चुकी है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा यू शेप आया है इनका। ये सारे बाल कटे हैं डीप यू कट के लिए। और फ्रेंड्स जो मैंने आपको टेक्निक बताई है डीप यू कट की, तो इस तरह करेंगे तो कटिंग एकदम अच्छी आएगी और इधर उधर जाएगी नहीं और आड़े टेढ़े नहीं होंगी। तो ये मेरा पार्लर है, अभी करीब सुबह के 7 बजे है और मुझे अभी वीडियो अपलोडिंग करना है आज ही, कल की पार्टी थी मेरी भिशी की और अभी वीडियो अपलोडिंग करना है, ये कल की कटिंग है। तो फ्रेंड आपको पार्टी दिखाई थी, वो पार्टी मेरी भिशी की पार्टी है, किटी पार्टी जैसी रहती है। सब फ्रेंड्स लोग हम यहाँ पर इकट्ठे होके वो चिट्ठी निकाल के जिसका नंबर आया उसको उस महीने में पैसे मिलते हैं, तो ऐसी वो पार्टी रहती है। तो उसके बाद जो भिशी में मेरे फ्रेंड्स आए थे उनकी लड़की की मैंने ये कटिंग करके दी है और ये कटिंग कल की थी मैंने पार्टी होने के बाद, पर बाल उठाए नहीं क्योंकि इतने काम थे मुझे पार्टी के बाद, वो घर में थोड़ा खाना पकाना था और यहाँ इधर आई नहीं, भूल गई मैं पार्लर का। तो ये सब पड़ा है और ये दूसरे दिन का वीडियो है, दूसरे दिन की शूटिंग है, मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो इतने बाल मैंने यू कट के लिए काटे थे, बहुत सारे कस्टमर के मुझे कमेंट्स आए थे, उन्होंने बोला था कि आप बाल कितने काटते हो वो दिखाना, तो इसलिए मैंने आपको नीचे के ये बाल दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स देखो कितनी अच्छी धूप निकली है और आपको ये मैं है हैंगिंग प्लांट दिखा रही हूँ, जो ये मेरे डोर के पास थे मेन वाले, पर मैंने ये अभी सब जीने पे इकट्ठे टांग दिए हैं, हैंगिंग किए हैं।
क्योंकि यहाँ पर अच्छे दिख रहे हैं अंदर के, और अंदर थे तो बहुत सारे मच्छर रहते थे इसमें, इसीलिए ये जीने पर लगा दिए हैं। और कितनी अच्छी धूप निकली है 7:30 बजे ही। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाय एंड टेक केयर।